अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सायरा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़रूर फीडबैक में बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। आज हम लोगों का टॉपिक है चिकन पीनट सैलड हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट पीनट है हमारे पास। इसको हमने फ्राई करना है। अभी हमारे पास बॉइल्ड एग है, ये हमने 2 है चॉप करके रख दिए हैं। ये हमारे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज के आलू हैं, उनको भी हमने क्यूब्स में कट कर दिया है। ये तकरीबन 1 से 1.5 शिमला है, उसको भी हमने बड़ी शिमला थी, इसको भी हमने बीच में से बीज निकाल के उसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। ये तकरीबन नॉर्मल साइज के 2 टमाटर हैं, ये हमने उनको भी क्यूब्स में काट लिया। और यहाँ पे हमारे पास है प्याज, ये 1 अदद प्याज मोटी थी, आपके पास छोटी है तो आप 2। और इन सब चीज़ों में से जो चीज़ आप ज़्यादा पसंद करते हैं उसकी आप जो मिकदार है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इन सब को हमने अलग अलग से फ्राई करना है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने और एक चीज़ इसमें जो जाएगी वो चिकन है, जिसके अंदर मैं अभी दूसरे चूल्हे पे मैं इसको रेडी करने के लिए रखूंगी, आपको बताऊंगी क्या क्या उसमें डालेंगे। यहाँ पे हमें जब तक हमारा हमने तवा रख दिया था, और इसमें मैं 1 से 2 चम्मच तकरीबन ऑलिव ऑयल डालूंगी, और यहाँ पे मैं डालूंगी पीनट को मैंने हल्का सा फ्राई करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पीनट, यहाँ पे एक साइड पे हम पीनट डाल के साथ साथ उसको हिलाते रहेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है। जी व्यूअर्स, हमारे पीनट जो है तकरीबन फ्राई हो चुकी है, इसको हमने निकाल लेना है। उसके बाद हम इसी तरह 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के उसमें हम प्याज डालेंगे, बिल्कुल उसको लाइट फ्राई करते हैं। सारी चीज़ों को हमने तकरीबन एक मिनट लिए। हम इसे डाल रहे हैं प्याज, फिर हमने ऐसे 1 मिनट के लिए पलट चपट के हमने इसको फ्राई करना है। हमारा चिकन एक साइड पे रेडी हो रहा है और दूसरी साइड पे हम सब्जियां फ्राई कर रहे हैं। अभी मैंने शिमला मिर्च डाली थी, जिसको बस अभी मैं तकरीबन उतारने वाली हूँ। अगर आपको के पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप दूसरा कोई भी ऑयल कम मात्रा में यूज कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बिल्कुल डालना है, इसमें टमाटर डालने, टमाटर को आपने बिल्कुल 1/2 मिनट के लिए करना है। टमाटर को आपने ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, इसको बस 1/2 मिनट तकरीबन मैंने लगाया, इसको मैंने उतार लिया है। अब हम आलू फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई रखनी है। बाकी सब्जी हमने फ्राई कर ली है, हमारे पास आलू बचे हैं। आलू जो तवे पे सही फ्राई नहीं होते, कच्चे रह जाते, इसलिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के फ्लेम फुल किया। और अब मैं डालने जा रही हूँ स्टेनर में आलू, ताकि इसमें आसानी से फ्राई हो जाएंगे। क्यूब्स की शक्ल में इसको मैंने काट लिया है, मुझे निकालने में भी आसानी रहेगी और ये फ्राई भी आराम से हो जाएंगे। इसके अंदर हल्की फुल्की भूख में व्यूअर्स, जब आपको रोटी खाने का मन नहीं है आप ये सैलड बना सकते हैं अपने घर में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दूसरी साइड पे मेरा चिकन जो है वो रेडी हो रहा है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ऑयल। बहुत प्यारी क्रीमी सी शक्ल है इसकी, और इसको मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करना है बस। अब इसको मैंने फ्राई कर लेना है। जी जैसा कि आप देख सकते हैं चिकन हमारा पक के बिल्कुल रेडी हो गया, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, इसको हमें निकाल लेना है बाउल में बाकी चीज़ों के साथ।
चिकन में तो हमने काली मिर्च डाली थी, लेकिन बाकी चीज़ों में हमने कुछ भी नहीं डाला सिवाय ऑयल के। अब हम इसमें एंड पे ऑयल करेंगे काली मिर्च थोड़ी सी और नमक हसबे जायका थोड़ा सा हम डालेंगे और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। इन सब चीज़ों को हमने ये देखिए बहुत मज़ेदार कलरफुल डिश हमारी रेडी है। जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। एंड पे हमने इसमें ऐड करने बॉइल्ड एग जो हमने काट के रखे थे, दो दो डाले थे मैंने, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हमने इसमें एग्स मिक्स कर दिए। जी व्यूअर्स, देखने में डिश कैसी है, खाने में तो बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अच्छी है, कलरफुल सी डिश है। आपको ये सैलेड इतनी देने लगती है और हल्का फुल्का सब आपका खाने का देखो आप बना सकते हैं। आप इसको अभी इसको हम एक डिश में ऐड कर देंगे। हमारा चिकन पीनट सैलड रेडी है और मेरी वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत मज़े की है और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।